So hey guys, welcome back to our channel, that is BACM Bapar Skatri. The topic which we are discussing today is of class 10, chapter number 1. और जो topic हम discuss करने वाले हैं, that is corrosion. तो corrosion से मतलब क्या होता है? Corrosion से simple सा मतलब ये होता है कि जब भी कोई substance, कोई भी metal, कोई भी element अपनी normal properties को lose कर देता है. कैसे lose कर देता है? अब जैसे आप देखो iron. आयरन क्या होता है? आयरन स्ट्रांग होता है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी शाइनी होता है. अब ये मत कहना कि नहीं आयरन शाइनी नहीं होता, शाइनी होता है. अगर आप उसको चमकाओगे, उसको अच्छे से रब करोगे तो वो शाइनी भी हो जाएगा. तो वो आयरन शाइनी होता है, ठीक है, और साथ ही में स्ट्रांग होता है. तो ये प्रॉपर्टी हो गई मेटल की, ठीक है. बट ऑन द अदर हैंड अगर उसका कोरोजन हो जाए, कोरोजन से मतलब क्या है कि जब भी कोई मेटल लंबे टाइम तक, एक लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक एयर और उसके अंदर जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में रहता है, तो क्या होता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देता है, जिसको बोलते हैं कोरोजन. अब जैसे अगर आयरन के ऊपर जंग लगती है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं जिसको. तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? इट इज नथिंग बट कोरोजन, ठीक है. उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में कोरोजन बोल रहे हैं, ठीक है. हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी है. तो बेसिकली हो क्या रहा है, जब मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एड हो जाना, ठीक है. तो जब मेटल के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो क्या हो जाता है, उसका कोरोजन हो जाता है, वो कोरोजिव हो जाता है, ठीक है. और ये किस किस के कांटेक्ट में रहने से होता है? मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहने से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहने से, वाटर के कांटेक्ट में रहने से, या फिर एसिड के कांटेक्ट में रहने से. इनमें से किसी भी के भी कांटेक्ट में अगर मेटल कॉन्टिन्यूसली रहेगा, काफी टाइम तक रहेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा और वो वीक हो जाएगा. आप जैसे आयरन अगर रस्टिंग हो जाती है, लोहे पर अगर जंग लग जाती है, तो उसको देखो उसका कलर कैसा हो जाता है. कलर उसका शाइनी से चेंज होकर डल हो जाता है ना, बिल्कुल रेडिश ब्राउन सा कलर हो जाता है उसका. इसके अलावा जो उसकी प्रॉपर्टी थी, स्ट्रांगनेस प्रॉपर्टी होती है. लेकिन आप कभी किसी जंग लगी हुई चीज को हाथ में लेके देखना, आप उसे ऐसे ऐसे करोगे ना, वो आराम से टूट जाएगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी स्ट्रांगनेस है, जो उसकी रिजिडिटी है, ठीक है, वो सब कुछ खत्म हो जाती है, ठीक है. उसकी टोटल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, वो फेरस से फेरस ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है. फेरस मतलब आयरन, आयरन को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, फेरस. तो फेरस से फेरस ऑक्साइड बनने तक का जो सफर है, उसमें उसकी जो शाइन होती है वो चली जाती है, और साथ ही में जो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो रिजिड है, स्ट्रांग है, वो भी खत्म हो जाती है, वो बहुत ही वर्सेटाइल हो जाता है, टूटने लग जाता है. क्लियर है इतनी बात? तो इसको बोलते हैं क्या, कोरोजन. अब कोरोजन को बचाया कैसे जा सकता है, वेज टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है. कोरोजन को बचाया कैसे जा सकता है? तो सबसे पहले कोरोजन को बचाने का सबसे आसान, सबसे बढ़िया तरीका, जो एक गांव का मतलब देहाती आदमी भी जानता है, जो कभी आज तक स्कूल नहीं गया वो भी जानता है, कि नया कोई कूलर लाए, कोई नई ऐसी कोई लोहे की चीज लाए, उसको पेंट कर देते हैं, है ना. क्यों करते हैं पेंट? तो पेंट, अब आप कहोगे पेंट से जंग नहीं लगती, तो ये तो हो गया एक लेमैन आंसर, है ना. एक आम आदमी यही जवाब देता है कि भाई पेंट से जंग नहीं लगती. बट साइंटिफिक वे में अगर सोचे कि पेंट से जंग क्यों नहीं लगती, ऐसा क्या होता है कि पेंट से जंग नहीं लगती, तो उसके पीछे का जवाब क्या है? उसके पीछे का जवाब यह है कि पेंट क्या करता है, पेंट एक बैरियर की तरह काम करता है. बैरियर क्या होता है? बैरियर कोई भी वो चीज होती है जो दूसरी चीज को रोकती है. जैसे हम रोड पे जाते हैं तो बैरियर लगे होते हैं पुलिस के, येलो कलर के, तो वो हमारे को रोकने के लिए है ना, वो ट्रेसपासर्स को, जो गलत काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए. तो इसी तरीके से ये मान लीजिए हमारा एक आयरन का आर्टिकल है, मान लीजिए कि लोहे का चादर है कोई भी. अब उसके ऊपर अगर मैं पेंट लगा देता हूं तो क्या होता है, ये ऐसे उसको ढक लेता है, ठीक है, ऐसे उसको ढक लेता है. एक बैरियर बन गया कि अब जो भी मॉइस्चर, वाटर, एसिड, कोई भी चीज आएगी वो इस पे लगेगी और इस पे नहीं लगेगी. और जब इस पे लगेगी, इस पे नहीं लगेगी, तो यानी कि हमने क्या करा, हमने आयरन को बचा लिया ना बाहर के एनवायरमेंट से. और जब हम उसे बचाएंगे तो उसे कोरोजन नहीं होगा, है ना. आप किसी भी लोहे को अगर आप पेंट करके रखोगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके बाद में उसे जंग नहीं लगेगी. क्यों नहीं लग रही? क्योंकि हमने उसको प्रोटेक्ट कर लिया, एक लेयर चढ़ा दी उसके ऊपर, एक बैरियर क्रिएट कर दिया, जिससे कि जो मॉइस्चर, एयर, ऑक्सीजन, एसिड, ये सब कुछ चीजें डायरेक्ट जो है वो, जो मतलब आयरन है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं जा रही है. इसकी वजह से जो है वो कोरोजन नहीं हो रहा, रस्टिंग नहीं हो रही. क्लियर है इतनी बात? तो समझ में आया कि पेंट करने से कैसे बच जाता है, ठीक है, सेकेंड चीज. दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग को ध्यान से समझना, एक श्योर शॉट एक नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं, हर पेपर में आएगा. कोई एक एलॉय बताओ, ठीक है, कोई एक एलॉय बताओ, ठीक है. और वो, और कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे स्टील क्या होता है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील. अब स्टील क्या होता है, आप देख रहे हो ये, इसके ऊपर ये जो है, ये आपको शाइनी शाइनी दिखाई दे रहा है, ठीक है. ये जो शाइनी शाइनी दिखाई दे रहा है,
इसको अभी अगर मैं पानी में डाल दूं, ये बाहर तो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में तो पड़ा ही है, कोई एसिड छिड़क दूं, कुछ भी करूं ना मैं इसके साथ, ये जंग नहीं लगेगी इस पे। क्यों जंग नहीं लग रही इस पे? बिकॉज ये क्या है, ये स्टील है, ये आयरन नहीं है, स्टील है। तो ये आयरन से स्टील कैसे बनता है? ठीक है, एक्चुअल में स्टील कोई ऐसी चीज नहीं, जैसे आयरन तो हमें पता है जमीन को खोदते जाएंगे तो वहां पे मिनरल्स मिलेंगे, मिनरल्स से हम आयरन बना लेंगे, पर अगर मैं जमीन को खोदूंगा तो वहां पे स्टील नहीं मिलता, मिलेगा आयरन ही। तो अब आयरन से स्टील कैसे बनता है? तो जब हम आयरन के ऊपर निकल और क्रोमियम, ये दो मेटल के नाम याद रखना, निकल लिखा हुआ है उसमें, लिखा हुआ है निकल और क्रोमियम, इन दो मेटल्स को जब मिक्स करके हम आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं ना, तो वो क्या बन जाता है, वो स्टील बन जाता है। ठीक है, निकल और क्रोमियम इन दो मेटल्स को जब हम मिक्स करके आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो स्टील बन जाता है। ठीक है, और उसका नाम क्या रख देते हैं, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई दाग, कोई धब्बा, कोई कुछ भी नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, कोई जंग नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसे स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो ये जो हम कर रहे हैं ना, मतलब ये हमने, मैंने बोला कि उसको मिक्स करके, मतलब निकल और क्रोमियम को मिक्स करके हम आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं, मैंने बोला। तो ये चढ़ाते कैसे हैं? तो इसका जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम क्रोमियम और निकल की प्लेट चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर, इस प्रोसेस को ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? वो प्रोसेस है जिससे दो या दो से ज्यादा हम मेटल्स को किसी दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके ऊपर कोट कर देते हैं, इसी को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इतनी बात समझ में? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों कहते हैं? प्लेटिंग बोल देते खाली, क्योंकि चढ़ तो लेयर ही रही है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज इसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चढ़ाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चढ़ाया जाता है। अब वो पूरा प्रोसेस आप थर्ड चैप्टर में पढ़ोगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस चैप्टर में इतना ही है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। समझ में आ गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में? नेक्स्ट चीज है गैल्वनाइजेशन। अब गैल्वनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग लगभग सेम सेम चीजें हैं, लेकिन आपको जो चीज समझने की है वो ये कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या होती है, दोनों को ही हम ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसा समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों का वही मतलब है लगभग, लेकिन जब आप डिफरेंस नहीं समझोगे ना, तो पेपर में अगर गैल्वनाइजेशन लिखने को आ गया तो आपके पास में लिखने को शब्द नहीं होंगे। तो इसलिए समझो कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग था कि कोई भी मेटल, कोई भी दो तीन मेटल्स को हम मिक्स करके किसी दूसरे मेटल पे चढ़ा देते थे, वो था इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। लेकिन गैल्वनाइजेशन में हम स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ जिंक को चढ़ाते हैं। आपने ना आजकल वो बहुत सारी नई नई टाइप की हांडी, नई नई टाइप के फ्राई पैन, कढ़ाइयां आ रही है जिनके नीचे का जो हिस्सा होता है वो आपको कॉपर जैसा दिखाई देता है, देखी होंगी सबने, है ना, जिसके नीचे का हिस्सा, उसका ऐसे उल्टा करो तो नीचे का जो हिस्सा होता है वो कॉपर जैसा होता है। तो वो किस लिए है? वो इसलिए है बिकॉज जो बनाने वाली कंपनीज है उनको ये पता है कि सबसे ज्यादा जो एक्सपोज्ड एरिया है, मतलब सबसे ज्यादा जो हीट पड़ने वाली है वो इसी हिस्से पर पड़ने वाली है। तो जब कॉन्टिन्यूसली हीट पड़ती जाती है ना, तो उसकी वजह से मेटल अपनी शाइन लूज कर देता है। आप देखो आपके घर में कोई कढ़ाई पड़ी हो ना, एल्युमिनियम की, लोहे की, किसी की भी कढ़ाई पड़ी हो, वो काली हो चुकी होगी नीचे से। क्यों काली हुई है? इसी वजह से, बिकॉज मैक्सिमम हीट उसी के ऊपर पड़ती है। लेकिन अब आप वो जाकर के बाजार से वो कॉपर वाली लेके आओ, आप उसको जितना मर्जी हीट करते रहना, वो कॉपर टस से मस नहीं होगा, वैसे के वैसे ही शाइन करता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या किया गया है, गैल्वनाइजेशन किया गया उसके ऊपर। ठीक है, तो कॉपर की जब एक लेयर को हम किसी दूसरे मेटल पर चढ़ा देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसे गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। ये भी वही मेथड वही है, ठीक है, कोरोजन बचाने का ही मेथड है। लेकिन आपको समझ में आया, मेन आपको ये समझ में आना चाहिए कि गैल्वनाइजेशन और जो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग थी इसमें क्या डिफरेंस है। समझ में आया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम कोई भी दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिक्स करके इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, चढ़ाते हैं एक और मेटल पे, लेकिन गैल्वनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ जिंक को ही चढ़ाया जाता है। क्लियर है ये बात? तो ये थे आपके वेज टू प्रिवेंट कोरोजन, कि कोरोजन से आप कैसे बचा सकते हो अपने लोहे के या कोई भी सामान को। अच्छा, क्या सिर्फ कोरोजन में हमने सारी बात किसकी करी? आयरन आयरन की करते रहे। क्या दूसरे किसी एलिमेंट का या दूसरे किसी मेटल का कोरोजन नहीं होता? होता है। कैसे? आप अभी एक आर्टिफिशियल चेन ले आओ, बाजार जाना, सोम बाजार, शुक्र बाजार, मंगल बाजार, ठीक है, सब बाजारों में 20-20 रुपए की, 30-30 रुपए की चेनें मिलती है, है ना, वो चेन लेके आओ, ठीक है। लेकिन चेन कौन सी लेके आना? स्टील वाली मत लाना, ठीक है। एक होती है स्टील की चेन, ठीक है, स्टील वाली चेन को कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो स्टेनलेस स्टील है, अभी हमने पढ़ा, स्टेनलेस स्टील को कुछ नहीं होगा। नॉर्मल जो ये गोल्डन कलर की चेनें मिलती है ना, वो लेके आना आर्टिफिशियल वाली। आप दो दिन पहनना, तीसरे दिन वो काली दिखेगी आपको, चौथे दिन बिल्कुल काली हो जाएगी, और फिर जब आप उतार के उसे कहीं पर रख दोगे ना, 4-5-6 दिन बाद देखोगे तो बिल्कुल ऐसी होगी, बिल्कुल ब्लैक। अब वो ब्लैक कैसे हुई? तो ये ही नहीं कि सिर्फ आयरन,
बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं, बाकी सभी मेटल्स जब बहुत लंबे टाइम तक एयर, मॉइस्चर, इन सबके कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो उनका क्या होता है, कोरोजन हो जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, चांदी की पंजेब या पायल जो भी बोलते हो आप, ठीक है, वो अगर आपने कभी पहनी हो या आपकी मम्मी या आपके घर में कोई पहनता हो तो उसको जब आप देखो थोड़े टाइम पहनने के बाद में उसका कलर फेड हो जाता है, जबकि है तो वो चांदी की, है ना। तो चांदी हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर वो लंबे टाइम तक, कॉपर, इवन कॉपर का भी हो जाता है, तो कोई भी चीज हो अगर लंबे टाइम तक एयर, मॉइस्चर, वाटर के कॉन्टेक्ट में रहेगी तो उसका क्या हो जाएगा, उसका जो है वो कोरोजन हो जाएगा। क्लियर है कोरोजन वाला टॉपिक, बिल्कुल डन। तो अब शीट पलट दो और आ जाओ रेंसिडिटी पे, ठीक है। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, समथिंग साउंड्स लाइक एसिडिटी, है ना, पर ये एसिडिटी नहीं है। तो रेंसिडिटी से मतलब क्या है, रेंसिडिटी से मतलब है, अभी हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन पढ़ा अभी हमने, ठीक है, कि मेटल जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, उसका कोरोजन हो जाता है। लेकिन यही ऑक्सीडेशन फूड पार्टिकल्स के साथ भी होता है, खाने के सामान के साथ भी होता है। कोई भी ऐसा खाने का सामान जिसके अंदर ऑयल्स एंड फैट्स होंगे और जो क्रंची होगा ना, वो आप कभी बाहर रख के देखो, आपने किया ही होगा ये, आप चिप्स खा रहे हो, ठीक है, चिप्स का पैकेट अभी खोला खा रहे हो, मम्मी ने कोई काम के लिए बुला लिया, बाहर रह गया, तो क्या होगा, बिस्किट्स, बिस्किट्स के साथ होता है, चिप्स के साथ होता है, बाहर पड़े रहने दो, थोड़े टाइम बाद आकर के कुरकुरे होगा ना, ऐसे चबाना तो क्रंची नहीं होगा, वो ऐसे बस मुंह में थर्माकोल की तरह रह जाएगा वो, है ना। तो वो हो क्या रहा है, वो बेसिकली यही हो रहा है कि उसका रेंसिडिटी हो गया है उसका। तो जब जो भी सामान के अंदर, याद रखना, जो भी सामान के अंदर ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं, वो जब लंबे टाइम तक एयर के कॉन्टेक्ट में, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में, मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट में रहते हैं तो उनका क्या हो जाता है, उनका भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब ऑक्सीडेशन होता है फूड का तो उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज रेंसिडिटी, क्लियर है। अब ये रेंसिडिटी तो आप समझ गए क्या होता है, रेंसिडिटी से होता क्या है, तो रेंसिडिटी से स्मेल और टेस्ट दोनों चीजें चेंज हो जाती है फूड की, ठीक है, उसका स्मेल भी चेंज हो जाती है। अब स्मेल आप कहोगे स्मेल तो कुछ चेंज नहीं होती, बट मेरे स्मेल चेंज होने के कहने के पीछे का मतलब ये है कि उसका अरोमा चेंज हो जाता है। देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है अरोमा, एक होता है स्मेल। अरोमा क्या होता है, अरोमा होता है कोई पैकेट आपने खोला, अगर अभी मैं इस कोन में से नीचे करके चुपके से पैकेट खोल दूं, मैं खिलाना नहीं चाहता तुम्हें, मैं चुपके से कुरकुरे का पैकेट नीचे खोल दूं, तो ना तुमको दूर तक पूरे कमरे में पता चल जाएगा कि कुरकुरे का पैकेट खुला है कहीं पे, क्योंकि कुरकुरे हम सब ने खाया है, बचपन से खा रहे हैं, उसका अरोमा हमें मालूम है। तो जो जानी पहचानी स्मेल होती है ना, उसको अरोमा बोलते हैं, जो उस पर्टिकुलर चीज से आती है। तो उसका जो अरोमा है ना, वो आप फिर उसको जैसे आपने बाहर छोड़ दिया ना, खुला छोड़ दिया, तो आप जब उसको सूंघ के देखो वो अरोमा नहीं आएगा आपको, तो स्मेल चेंज हो जाती है रेंसिडिटी से, और टेस्ट तो आपको पता ही है चेंज हो जाता है, पूरा क्रंचीनेस उसकी खत्म हो जाती है और बकबका सा स्वाद हो जाता है उसका, है ना। तो टेस्ट और स्मेल उसकी पूरी तरह चेंज हो जाती है। क्लियर है इतनी बात। तो रेंसिडिटी का मतलब तो समझ में आ गया, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है, वो वाला फूड जिसके अंदर ऑयल्स एंड फैट होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, रेंसिडिटी होती है। लेकिन अब इस रेंसिडिटी को बचाएं कैसे, है ना भाई, हमने कोरोजन समझा, तो हमने देखा कोरोजन से कैसे बचाएं, अब रेंसिडिटी पड़ी है तो रेंसिडिटी से भी बचाना है खुद को। तो रेंसिडिटी से बचाने के भी हमारे पास में क्या है, हमारे पास में तीन मेथड है, वहां भी तीन मेथड थे, यहां भी तीन मेथड है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, नाम से समझो, आपने एंटीबायोटिक सुना होगा, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कौन होते हैं, जो बैक्टीरिया से लड़ते हैं, है ना। ऐसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स कौन से होते हैं, जो ऑक्सीडेशन से लड़ते हैं, ठीक है। आजकल चिप्स वगैरह ये जितनी भी चीजें हैं, नमकीन, भुजिया वुजिया कोई भी चीज हो, इन सबके अंदर आप कभी उनके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, ठीक है, पीछे के इंग्रेडिएंट्स पढ़ना, आपको दो चीजें मिलेंगी, या तो आपको उसमें एंटीऑक्सीडेंट लिखा हुआ दिखेगा, या आपको उसमें प्रिजर्वेटिव दिखेगा। इन दोनों में से कोई एक चीज 100% होगी, कोई भी अगर पैकेट वाली चीज है। वो करती क्या है, वो बेसिकली फूड को ऑक्सीडेशन से बचाती है, ठीक है, चाहे प्रिजर्वेटिव हो चाहे एंटीऑक्सीडेंट्स हो, इनका काम क्या होता है कि फूड को बचाना, क्लियर है। दूसरी चीज है नाइट्रोजन फ्लशिंग। मैं जब छोटा था तो मैं हमेशा सोचता रहा यार ये कंपनी तो चोर है यार, मैं 10 रुपए के लेस के लिए पैसे देता हूँ, ये मुझे हवा भेज देते हैं, है ना। तो एक्चुअल में वो हवा नहीं है, इट इज नाइट्रोजन, ठीक है। तो उसके अंदर जो गैस है वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। पर वो है क्यों वहां पर, है ना, ये सवाल है। तो उसके दो रीजन है, ठीक है, दो रीजन है उसके। एक तो
नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की ना बिल्कुल बैरी है। बैरी समझते हो क्या होता है, मतलब एनिमी, ठीक है। नाइट्रोजन गैस इज एनिमी ऑफ ऑक्सीजन, जहां नाइट्रोजन होगी वहां कभी ऑक्सीजन नहीं आएगी, तो इसीलिए उसके अंदर नाइट्रोजन भरते हैं ताकि कभी भी उसके आसपास ऑक्सीजन ना आए। और अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, रेंसिडिटी नहीं होगी। तो एक तो रेंसिडिटी से बचाने के लिए वो नाइट्रोजन फ्लश की जाती है उसके अंदर, और दूसरा रीजन ये है कि आप सोचो कि अगर इतने सारे चिप्स, मैंने चिप्स एक पैकेट में डाले, ठीक है, उसके अंदर कोई नाइट्रोजन फ्लश नहीं किया तो पिचका हुआ पैकेट रहेगा, बिल्कुल ऐसे फ्लैट रहेगा। उसके ऊपर पैकेट के ऊपर पैकेट, पैकेट के ऊपर पैकेट, फिर बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, बॉक्स के ऊपर चढ़ते जाएंगे तो जो नीचे वाले चिप्स होंगे वो चूरे नहीं हो जाएंगे बिल्कुल, तो आप तक बिल्कुल जो पूरा चिप्स आता है वो पहुंचेगा ही नहीं, चिप्स आप तक तो चिप्स का चूरा पहुंचेगा, है ना। तो वो एक तो इस काम के लिए कि रेंसिडिटी ना हो, और दूसरा जो चिप्स का या फिर जो भी चीज है उसकी शेप और उसकी जो क्रिस्पीनेस है, उसका साइज है, वो बरकरार रखने के लिए, उसको कंसिस्टेंस रखने के लिए किया जाता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है, दो हो गए। तीसरा क्या है, तीसरा बहुत इजी चीज है जो एक नॉर्मल आदमी जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ी वो भी करता है, ठीक है ना। अगर घर में आप सीधी सी बात, आप कोई चिप्स खोल दो, कोई चीज खोल दो, तो मम्मी क्या कहती है, ऐसे मत रखो, डिब्बे में डाल के रखो, कहती है ना। तो वो डिब्बे में डाल के रखने का लॉजिक क्या है, वो यही है कि ऑक्सीडेशन से बचाना हो उसको, ठीक है। तो यहां पर एयर टाइट कंटेनर लिखे हैं, एयर टाइट कंटेनर समझते हो कौन से होते हैं, एयर टाइट कंटेनर वो होते हैं जिनके आपने ऐसी डब्बियां देखी होंगी, अब कंजक गई थी, अब आप लोगों की तो मिली नहीं होगी, बट लेकिन वैसे घर में आई होगी, देखी होगी, वो डिब्बी होती है जिसके ऊपर ऐसे रबड़ भी लगी होती है, उसके ढक्कन के ऊपर बीच में रबड़ लगी होती है ना, व्हाइट कलर की डिब्बी होती है, ऊपर ब्लू कलर का है टपर, टपरवेयर वगैरह का, तो उसके अंदर कहते उसमें एक बीच में रबड़ लगी होती है, तो जैसे ही आप उसे बंद करते हो तो आप बीच में ना अंदर ना हवा जाएगी ना पानी वानी बाहर आ सकेगा, उसको बोलते हैं एयर टाइट कंटेनर। तो सबसे बेस्ट अगर कोई रेंसिडिटी से बचाता है तो वो एयर टाइट कंटेनर बचाता है, ठीक है, नहीं तो घर में स्टील के डब्बे तो होते ही है, उसमें डाल लो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक, और ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर, सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।